नमस्कार, अभी ग्राउंड जीरो में हम आ गए छी। जे कि गर्मी गर्मी अभी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ओना एते गर्मी एते पड़ला के बाद हो एठान के बिजली बहुत ज्यादा कट भ रहल छै, बहुत ज्यादा कटै छथिन। बिजली की समस्या बिजली ऑफिस के हाकिम से भी पूछबै। ओना एते अभी एठान के सीडीओ साहब से पूछे जा रहल छी। सर को नमस्कार। नमस्कार। धेरै नै अहिले गर्मी पड़ि रहल छै, त्यसमा बिजली ले धेरै नै लाइन 10-10 मिनट मा कटि रहेको छ सर, त्यसमा के छ? यो हामी आफै पनि यसमा पीडित छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हिजोदेखि नै हामीले चाहिँ कतिपय सेवाहरू अवरुद्ध भयो र हामीले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखजीलाई पनि भनेका छौँ, हिजो राति पनि गएको छ र उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा यो लोडको अपडाउनले गर्दाखेरि स्पार्क भएको छ, पोलहरूमा चाहिँ आगो पनि धेरै धेरै ठाउँहरूमा सर्ट भएको छ। अब बिजुली गर्मी सँगसँगै विद्युतीय उपकरणहरू खास गरी पङ्खा एसी होइन यी सबैहरू चलिरहेका छन्, कुलरहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि लोड बढी भएर चाहिँ समस्या भइरहेको भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ प्राविधिक समस्याहरू छ, यसमा उहाँहरूलाई राति पनि हामीले सचेत गराएका थियौँ र सँगसँगै मुजेलियामा चाहिँ यो हेभी गाडीले चाहिँ पोलमा ठक्कर दिएर तारहरू पनि भयो भनेर राति खबर आएको थियो। त्यो हुनाले अहिले बिहानको अवस्था यो त सर धेरै दुर्घटना पनि हुन सक्छ नि कि हिजै हेरेको छ भने 10-12 पोलमा आगो लागेको छ भइरहेछ। त्यो यो चाहिँ अब विद्युत उत्पादन बढे सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढिरहेको छ। हामी करिब करिब विद्युतमा अब आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। तर यो पुरानो जुन छ, जस्तै पोलहरू पुराना छन् र त्यसपछि तारहरू पुराना छन् र सँगसँगै पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायक जस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको केबुलहरूको लाइनहरू पनि छ, त्यो लाइनहरू व्यवस्थित नभएर त्यहाँ स्पार्क गरेर आगलागी भएको अवस्थाहरू छ। त्यो हुनाले यसमा हामी अब चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग बस्छौँ र फेरि पनि तपाईँहरू मार्फत जानकी टेलिभिजन मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, यसलाई प्राविधिक कर्मचारीहरू इन्ट्याक्ट राख्नु पऱ्यो र पब्लिकको गुनासो आउनु बित्तिकै रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो। रेस्पोन्स गरेर जहाँ मर्मत गर्नुपर्नेछ तत्काल कर्मचारी परिचालन गर्ने र राति राति खट्ने कर्मचारीहरूलाई इन्सेन्टिभ पनि सँगै जोड्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ प्रोत्साहनको व्यवस्था चाहिँ लागू गर्नु सुधार गर्नुपर्छ। हो सर, धन्यवाद। ओनाइते अभी धनुषा जिल्लाके एसपी साहब जो बहुत एक्टिभ रहै छथिन हरेक काममे, आओर बिजुली पनि कहाँ बात गर्बै सर? नमस्कार। अनि बिजुलीको हामीले अहिले समस्या देखिरहेको छौँ, बिजुलीमा जाने कट्ने जाने आउने भइरहेछ सर। हिजै 10 पोलमा आगो लागेको छ, त्यसले धेरै ठुलो दुर्घटना होइन? यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ नि गर्मी दिन छ, मान्छेहरूले चाहिँ नि हेभी सबैलाई एसी चलाएको छ, सबैले कुलर पङ्खा एकदमै छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेजलाई हाई रूपमा लिनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन छ ट्रान्समिटर त्यसलाई चाहिँ भोल्टेज कभर गर्न चाहिँ ट्रान्समिटर जल्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि बिचमा चाहिँ यसरी आग लाग्यो भने यो हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ। हाई भोल्टेज आउँछ, अब एकैचोटि सबले गर्न एकदमै ब्याकअप दिनु पऱ्यो, ब्याकअप गर्न ट्रान्समिटरलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, ऊ जल्छ। सरहरू यो बिजुली अफिससँग कुरा गरिराख्नु भएको छैन? अनि गरेको छु, मैले बिजुली अफिससँग पनि गरेको छु। सुधार भइहाल्छ अनि अब यसले अब हामीले बनाइरहेछौँ भन्छ उनीहरूले, अब मैले बत्ती जाने बित्तिकै छैन, मैले नगरवासीले गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि समस्या भइरहेको छ, मैले तुरन्त सेटमा छैन तुरन्त बत्तीमा गएर के हो समस्या भनेर बुझ्ने चाहिँ पठाइरहेको छु। उनीहरू चाहिँ जहाँ जले हुन्छ जहाँ यो खसेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, उनीहरू लाग्न त निरन्तर लागिरहेछ। त यसको समय गर्मीमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ जनताहरूलाई, किन भन्दाखेरि चारैतिर हाई भोल्टेज दिनुपर्ने अवस्थाले कारण जाडो दिनमा नर्मल कन्डिसन हुन्छ, मान्छेले केही चलाउँदैन, अब सबले एसीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा चलाउनेमा नै अलिकति छ, जनताले यस कुरालाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। तर एउटै कुरो, विद्युत प्राधिकरणले जहाँ कमजोर टाइपको चाहिँ नि ऊहरू छ ट्रान्समिटर छ त्यहाँ चाहिँ तुरन्त चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामी यसमा सिडो छ हामी र एकपल्ट मिटिङमा बोलाएर पनि हामी त्यो कुरो राखौँ। धन्यवाद सर। ओनाहिते अभी जे बिजुलीके बड़का समस्या चलि रहल छै, एतना गर्मीमे हरेक आधा घण्टापर बिजली कटि रहल छै, आओर 2-3 दिनसँ देख रहल छियै कि जनकपुर धाममे आओर भी धनुषा जिलामे होतै लेकिन जनकपुर नगरीयमे 20 जगह पोल पर आगि लागल रहै। काल्हि हाकिम साहबसँ हम बात कयले रही, ओहो कहलखिन जे समस्या हुनका है बाँटि लेबै, अभी सी डी ओ साहबसँ बाँटि लगेलियै, एस पी साहबसँ बाँटि लगेलियै, तऽ अब जनता सबसे बाँटि लेबै जहाँ कि वास्तविकमे बिजलीके समस्याके बहुत बड़का क्षतियो भऽ सकैए जब आगि लगि जाइए तब। ओनाहिते अइ राम चौकपर हम अभी आ गेल छियै आओर राम चौकपर यूनियन प्रेसमे आयल छी, जे कि बिजलीसँ कारोबार भी होइ छै आओर अभी ओनाहितो कारोबारके समस्या चलि रहल छै आओर बिजली नहिके कारण की समस्या छै ओहिपर हम बात करबै। अपनेके जानकी टेलीविजन स्वागत। धन्यवाद। अभी जे कुछ दिनसँ देखल जा रहल छै, एक तऽ गर्मीके तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ि गेल छै, दोसर बिजली हरेक 10 मिनटपर अबै हइ जाइ हइ, बहुत पोल सबमे आगि लागि गेल छै, एहिके बारेमे अपने की कहबै? ई तऽ अब विद्युत प्राधिकरणके अकर्मण्यता कहऽ पड़तै।
विद्युत प्राधिकरण के दायित्व में पड़े कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ित हो या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ित हो तो विद्युत पर चाप बढ़े छे, एसी वगैरह चले छे, सबके घर में पंखा चल के शुरू भ जाए छे, विद्युतीय उपकरण सब जते है सब चल के शुरू भ जाए छे, तो वही समय में तार सब अहाँके जेकर लोड भार क्षमता के धान सके तेहन तार लगावे के जरूरत हो। लेकिन अभी देखल जा रहा है हरेक पोल पर आग लग रहा है, इससे तो बड़का क्षतियों भ सके। बिल्कुल बिल्कुल भ सके, लोड जे नहीं ले सके छे ना, एक बेर बहुत ज़्यादा जरा पर लोड जे चल जाते है तो नहीं ना सकते, वो तार के क्षमता है क्षमता से ज़्यादा भ जाए छे, तो एक लागे अहाँ के विद्युत प्राधिकरण के पोल में के तार सबके पावरफुल बनाबे के चाहिए, ट्रांसफार्मर सब बेसी लगावे के चाहिए, ये सब गड़बड़ी के कारण से अहाँ के विद्युत के समस्या लोग के झेल पड़ रहा है। अब दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के है कि देश के दुनिया के कह रहा है दोसर जल स्रोत के धनी देश है, जल स्रोत के धनी देश के तो विद्युत वितरण करे के चाहिए, बेच के चाहिए, अन्य मुल्क जते अगल बगल में तेरा सब के इतने ज़्यादा बिजली खपत भ सके अही देश से, लेकिन अपने देश में एहन किस्म के समस्या भोग पड़ रहा है विद्युत के कारण से। हमरो सबके प्रेस व्यवसाय प्रिंटिंग प्रेस है, फर्क पड़े कि नहीं पड़े? बहुत ज़्यादा फर्क पड़े छे, अहाँ के डीजल से चला के जनरेटर दू दूटा जनरेटर चलावे के अवस्था है तो अतिरिक्त खर्च हमरा बेहोर पड़े ना, विद्युत प्राधिकरण के बिजली बिल बुझाबे करे छे, आ जे जनरेटर में खर्च होइ छै तेकर तेल के खर्चा अलगे बढ़े छै, ओहि के बाद जै हिसाब से वातावरण निर्माण होबे के चाही विद्युत के से नहीं हो पबै छै। ई धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में छै जनकपुर, सब होटल में अपने के रह वाला जते होटल सब होटल में जनरेटर तो नहीं होते, लाइन कटे छे, लाइन कटला के बाद जनरेटर के इतने क्षमता नहीं छे कि सब ऐसे चला देते, तो अहाँ पर्यटक के दृष्टिकोण से सेहो आइए कि विद्युतीकरण बढ़िया होबे के चाहिए जे नहीं भ पा रहा है। चाहे नहीं विद्युत प्राधिकरण के कहबे सब बात पर ध्यान दे के जते जल्दी से जल्दी होब सके विद्युत के आपूर्ति जे गड़बड़ाई छे ट्रिप होत रहे छे तेकरा सब एकदम ठीक करे के चाही, बहुत ज़्यादा गर्मी के समय टूरिस्ट के संगे संगे आम जनता के सेहो समस्या भोग पड़ रहा है, ऐ समस्या के समाधान तरफ इमीडिएट हुनका देखे के चाहिए, तत्काले देखे के चाहिए, दोसर काम छोड़ के पहले अही पर लागे के चाहिए से कह चाहब। धन्यवाद, देखल अपने के एठान के जनता सब एठान के कारोबारी सब बहुत परेशानी छे। अभी हम अब विद्युत ऑफिस के जा रहा छी उनकर हाकिम से कि वास्तविक बात की वास्तविक समस्या की अइ लेल कि 10-16 पोल में आग लगला के कारण से कोन बड़का दुर्घटना भी घट सके छे, अइ के विषय में हम अब जाय छी हाकिम साहब से बात करब। ओनाहिते अपने सबके हम दिखैले छली अभी जे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और विद्युत के जे अभी समस्या चल रहा है पोले पोले पर बहुत जगह कल 10 जगह आग लग गए है, हालांकि बड़का समस्या है विद्युत ऑफिस के भी समस्या भ सकिए कि कारण से ना हो ये। हम अपने के हाकिम साहब से कॉन्टैक्ट कैली कल वाई के टाइम दिल रही लेकिन बहुत बिजी वो छथिन, उनको कहना में चल के हम कहीं ज्यादा अभी बिजी है के कारण से, लेकिन वास्तविक बात की उनका से पता लगाबे के छलिए, अभी संपर्क नहीं भेल लेकिन फिर से उनका संपर्क करके बिजली के वास्तविक समस्या की हम सब अपने के बीच में राखल कर रखबे करबे। ओनाहिते अपने सब देखते रहिए जानकी टेलीविजन, और हम जानकी टेलीविजन से विदा ले छी, नमस्कार।